वेलकम टू पूनम की प्यारी दुनिया फ्रेंड्स। मतलब कुछ अच्छा, कुछ सस्ता और कुछ इजी सा, बट बहुत ही टेस्टी। जी हाँ, दूध तो सभी के घरों में एनी टाइम होता है, तो लेते हैं एक कटोरी दूध और उसमें डालेंगे कोकोआ पाउडर। जी हाँ, समटाइम हमारे पास कोकोआ पाउडर नहीं होता है तो उसके जगह पे आप कॉफी पाउडर डाल सकते हैं, नहीं भी है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने लिया एक कटोरी दूध और इसमें डाली हूँ मैं अभी कोकोआ पाउडर। कॉफी पाउडर नहीं हो तो भी चलेगा। और स्वीटनेस के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गुड़ का घोल के रखा है हमने। आप चाहें तो शक्कर भी ले सकते हैं, बट गुड़ थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है। इसको अच्छे से डिजॉल्व कर लेते हैं। और एक प्रिपरेशन आपको करके रखना है, ये है रबड़ी। जी हाँ, दूध को हमने गाढ़ा कर दिया है। आप दूध को जल्दी से गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप उसमें मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, जल्दी से गाढ़ा हो जाता है, या फिर अगर समय है तो खाली दूध को गाढ़ा कर लेते हैं। ये है दूध की रबड़ी और ये है जो हमने अभी दूध का घोल बनाया है। अब चाहिए हमको ब्रेड। जी हाँ, ये ब्रेड इसमें ज़रूरी है। अगर घर में आपको ब्रेड है तो बहुत ही जल्दी से आपका काम हो जाएगा। और ये देखिए, ब्रेड में मैंने घी लगा दिया। जी हाँ, गाय का देसी घी है ये। और आप 3, 4 या 2 ब्रेड से भी बना सकते हैं, तो मैं आज 3 ब्रेड से बना रही हूँ। ऑन कर दिया और ये हमारा लोहे का तवा, इस पे रखेंगे ये घी लगे साइड वाला ब्रेड। इसके ऊपर एक मैंने एक और ब्रेड रख दिया और फिर उसके ऊपर एक ये और घी लगा वाला साइड का ब्रेड रख दिया। और इसको अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे हम क्रिस्पी। और ये देखिए, एक साइड का हो गया है तो मैंने इसको पलट दिया है और ये दूसरे साइड से भी ऐसे ही सेक लेते हैं। इसे दबा दबा के और हमने ये ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब हमको इसके ऊपर ये दूध को डालना है थोड़ा थोड़ा, और इसके साथ में इसको पलट पलट के सेकना है दोनों साइड से। ये देखिए, ये पूरा दूध को सोख लिया। इसमें थोड़ा सा और दूध डालेंगे और इसको हमने पलट दिया है तो इस साइड से भी थोड़ा थोड़ा दूध डालते हैं और इसको सेक लेते हैं अच्छे से। जब पूरा दूध को सोख लेगा तो गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए, पूरा दूध को सोख लिया है तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फिर मैं प्लेट में इसको निकालूंगी। अभी मैं इसको एक प्लेट में इस तरह से रख रही हूँ, इसके ऊपर डालूंगी ये ठंडी ठंडी सी रबड़ी। थोड़ी देर 5 मिनट तक इसको रेस्ट होने देंगे। थोड़े से मनपसंद किसी नट्स से आप इसको गार्निश कर दें, जो कि ऑप्शनल है। और रेडी है आपका डिलीशियस, आत्मा को तृप्त करने वाला केक के जैसा स्वीट डिश। दिल खुश हो जाएगा इसको खा के और बना के भी। जिसको बिल्कुल भी कुकिंग पसंद नहीं है उसको भी पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।